हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ साबूदाने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको ना साबूदाना भिगोना है ना उबालना है, फटाफट बन जाता है। नॉर्मली हम जब काम में बिजी होते हैं या हम भूल जाते हैं साबूदाना भिगाना, तो उस टाइम पे ये हमारा बड़ा काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप साबूदाना लिया है, फिर हमको इसको मिक्सर जार में डाल देना है और इसको पीस लेना, आटे के जैसे आटे के फम में इसको पीस लेना है एकदम बारीक सा। फिर एक बाउल लेंगे, बाउल में ये जो पिसा हुआ साबूदाना वो डाल देंगे। फिर इसमें मैंने 4 बॉयल आलू डाले हैं, फिर इनको इसमें कद्दूकस कर देना है। कद्दूकस ही कीजिएगा आप इसको, ताकि इसको जब इसका हम मिक्स करेंगे तो उसके आलू के इसमें पीसेस ना रह जाएं। तो आलू को अच्छे से इसमें ऐसे मैश कर देंगे। फिर इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। मैं व्रत वाला बना रही हूँ, तो व्रत के हिसाब से आप जो चीज़ें खाते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च ऐड की हुई है, कद्दूकस किया हुआ अदरक, आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ता बारीक कटी हुई डाली है, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने मूँगफली का पाउडर डाला हुआ है, पहले मूँगफली को भून दिया, फिर उसको मिक्सी में पीस दिया है, फिर वो डाला। आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं मूँगफली। फिर मैंने उसमें व्रत वाला नमक ऐड किया हुआ है स्वाद के अनुसार। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। इस आलू जो है उसी में गूंदना है इसको। अगर आपको थोड़ा ऐसा हार्ड लगे, ड्राई लगे, तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आलू के उसमें ही अच्छे से मैसअप हो जाता है इसका। हमको इस तरह से अच्छे से इसको मिक्सअप कर देना है। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रिस्पी होता है साबूदाना से। आप कुछ भी बनाओ वो टेस्टी ही होता है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। व्रत में फटाफट बन जाता है, 5 मिनट में ये बन जाता है आपका। और इसको तलने में ज़्यादा तेल का भी यूज़ नहीं होता है। इस तरह से हाथ में आप ऑयल लगा लीजिए और इसको टिक्की शेप दे दीजिए, इसको हल्का सा प्रेस करके ऐसे इसको ऐसा टिक्की का शेप दे दीजिए। मैं 2 तरह से बताऊंगी आपको किस तरह से बनाना है। ये इस तरह से इनको बना लेंगे, पहले सारे बना लेंगे, फटाफट बन जाते हैं ये और बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इनको तल लेना है हमको। जैसे ये तेल में सिकने लगते हैं ना, तो ये फूल जाते हैं एकदम, पूरी की तरह फूल जाते हैं ये, और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। बाहर से ये क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही यम्मी होते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये फटाफट बन जाता है। इनको हमको हिलाते डुलाते ऐसे भून फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको डीप फ्राई नहीं पसंद है तो आप इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से पक जाते हैं। इनको हमको अच्छे से पकने देना है, फटाफट बन जाता है। आप चाहें तो इसे पूरी भी बना सकते हैं, इससे पराठे भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। साबूदाने के आटे से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखिए बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी होते हैं। देखो फूल गए हैं, एकदम से फूल गए हैं, पूरी की तरह फूल गए हैं ये। फिर इनको हम निकाल लेंगे, बहुत ही खस्ते बनते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते, दही के साथ खाइए, आप चटनी के साथ खाइए, जो आपको पसंद हो। नॉर्मली आप इसको ऐसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए तो बहुत ही ऐसे बाहर से ऐसे हार्ड लग रहे होंगे कि कैसे हार्ड बन गए, लेकिन ये बहुत ही अंदर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एक इस तरह से बनाया मैंने, और दूसरा हम जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस तरह से बना लेने। देखो बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरह से, नॉर्मली जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस तरह से बना देना है। इसमें शेप नहीं दिखना आपको, जैसे आता है वैसे ही बना दीजिए इनको। दिखने में ये ऐसे लगते हैं लेकिन बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी होते हैं। नॉर्मली जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, बस दाल बड़े बनाते हैं, वैसे ही बना देना है इनको। इनको भी एकदम क्रिस्पी होने तक पका लेना है। आपको जो पसंद हो, जिस तरह से पसंद हो, आप उस तरह से इसको बना सकते हैं। ये देखिए बहुत बहुत ही अच्छा टेस्टी होते हैं ये, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और आप कोई भी व्रत बना सकते हैं, आप चाहे एकादशी व्रत हो, नवरात्रि व्रत हो, जो भी व्रत आप रखते हैं उसमें आप इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसी तरह की सिंपल और इजी रेसिपी देखने को मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, आप उनके शेप में मत जाइएगा, शेप तो ऐसे बन जाते हैं उसके, आपको जैसे भी बनाना है बना सकते हो। ये देखिए बहुत ही करारे लग रहे हैं, देखिए बहुत ही करारे होते हैं ये, बाहर से करारे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप इनको देखिए जैसे भी खाना, आप दही में खाइए, ठंडू